प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टू फाइंड। प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन व्हाइल पॉइंट पी लाई ऑन द परपेंडिकुलर लाइन, यानी किसी दी गई रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना, जबकि लंब रेखा पर बिंदु पी एक्स वाई स्थित हो। पुनः रिपीट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन व्हाइल पॉइंट पी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। प्रिय बच्चों, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट। प्रिय बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारा लाइन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लाइन एल वन से प्रेजेंट है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन एल टू है। क्या है? एल टू है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बच्चों? एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए जाते हैं और साइन चेंज कर दिया जाता है, और किसी एक टर्म का साइन चेंज कर दिया जाता है तो परपेंडिकुलर लाइन फॉर्मेड हो जाता है। देखिए, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा बच्चों, कोफिशिएंट हम चेंज करेंगे एक्स वाई के, तो बी एक्स माइनस, साइन भी चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस ए वाई और प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन बन गई, ठीक है। यदि परपेंडिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन एल टू पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जैसे पॉइंट पी लाई ऑन द लाइन एल टू, सो इट विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करेंगे। प्रिय बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां पे गिवन है 2x प्लस 5y प्लस 12 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस पर हमें ये जो है लाइन L1 है। क्या है ये लाइन? L1 है। इस पर परपेंडिकुलर लाइन L2 हमें फॉर्मेट करना है, यदि बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, यानी 2 के प्लेस पर 5 आएगा और 5 के प्लेस पर 2 जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5x माइनस 2y और 12 के स्थान पर लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा इक्वल टू जीरो। ये लाइन
L2 फॉर्मेट हो गई, ये लाइन L2 फॉर्मेट हो गई, जो लाइन L1 के क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिठा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 7x - 3y = 10। क्लियर? यानी उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,2 से जाती है तथा रेखा 7x - 3y = 10 पर लंब है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए ये मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारी एक लाइन L1 है। L1 रिप्रेजेंट है यहां पर 7x - 3y, इसको सही बना देते हैं, इसको सही कर देते हैं बच्चों। ये लाइन है, जो लाइन L1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7x - 3y = 10। ठीक है, 7x - 3y = 10 लाइन L1 रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर परपेंडिकुलर लाइन, इस पर परपेंडिकुलर लाइन L2 हमें फाइंड करनी है। किस कंडीशन में? कि यहां पर एक पॉइंट पॉइंट P 2,2 है, ये जो है लाइन परपेंडिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन, द लाइन 7x - 3y = 10 इज, ये हो जाएगा। अब इसमें चेंज कर देंगे, कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, यहां पर 3x माइनस की साइन है तो प्लस की साइन, प्लस 7y = λ हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये L2 लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। किसको? L2 लाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों लिखेंगे, सिंस लाइन L2 इज पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, so it must satisfy the equation of the line, the equation of a line L, we get
अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस एक्स के स्थान पर वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और वाई के स्थान पर वैल्यू 2 पुट करेंगे। 3 2 + 7 2 = λ और सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 = 6 7 2 = 14 = λ। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 20 = λ। क्लियर। अब इस लेमडा की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फाइंड हो जाएगी, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, वी फाइंड द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन ठीक है, किया जाएगा 3x + 7y = 20। जिनका हो गया क्लियर, नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 4y + 5 = 0। ठीक है, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द3x + 4y + 5 = 0। ठीक है बच्चों, = 0 इज, अब इसके कोफिशिएंट चेंज कर देंगे क्या हो जाएगा, 4x - 3y और राइट हैंड साइड में लैम्डा लिख देंगे। ये इक्वेशन हमें फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, ऑरिजिन से, लिखेंगे सिंस दिस परपेंडिकुलर लाइन इज पासेस थ्रू
passes through the point the origin ठीक है. सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन of a line first here we get. अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, यहां पर फिगर बना दे रहे हैं बच्चों, ठीक है. एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन हमारी सी डी, ये ऑरिजिन से पास हो रही है. किससे पास हो रही है? ऑरिजिन से, ठीक है. किससे पास हो रही है बच्चों? ऑरिजिन से, ठीक है. ऑरिजिन से पास हो रही है. एक लाइन हमारा गिवन है, ये लाइन ए बी, एक लाइन गिवन है जिसे हम L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. L1 गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है. इस पर परपेंडिकुलर, इसको हम यल से डिनोट कर देते हैं. इस पर परपेंडिकुलर L2 लाइन हमें फाइंड करनी है. क्या करनी है? यानी L1 लाइन हमारा क्या है बच्चों? गिवन है. क्या है? गिवन है. और इस पर परपेंडिकुलर लाइन L2 फाइंड करनी है. लेकिन कंडीशन यह है कि L2 लाइन जो है ऑरिजिन से पास हो रही है. किससे पास हो रही है? ऑरिजिन से. और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों 0 0. तो ये क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. क्या करेगी? सेटिस्फाई, ठीक है. और परपेंडिकुलर लाइन का हमने कंडीशन बना लिया है 4x - 3y = λ. इसीलिए लिखा गया सिंस दिस परपेंडिकुलर लाइन जो L2 से रिप्रेजेंट है, सिंस दिस परपेंडिकुलर लाइन इट पासेस थ्रू द ऑरिजिन सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फर्स्ट वी गेट. अब इसको सेटिस्फाई करा देते हैं. और यहां पर 0 लिखेंगे, फिर -3, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? 0 λ. तो ये हो गया बच्चों 0 - 0 = λ. अगले स्टेप में ये क्या आया? 0. लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 0. अब लेमडा की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में. किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन
we find the perpendicular line। ये हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 3y इक्वल टू जीरो। 4x माइनस 3y इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? बिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये बच्चों हमारा लाइन है जो L1 से रिप्रेजेंट है, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन L2 हमें फाइंड करनी है। किस कंडीशन में? परपेंडिकुलर लाइन L2 पर पॉइंट P 1,1 लाई कर रहा है। पॉइंट पी लाई ऑन द लाइन L2, सो इट विल बी सेटिस्फाइड। क्लियर? लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 इज। ये होगा लाइन बच्चों। यहां पे कोफिशिएंट क्या करेंगे? चेंज कर देंगे और साइन भी एक टर्म का चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 3y और यहां पर लेमडा लिख देंगे और इस कांस्टेंट टर्म को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बना L2 का, इस लाइन का L2 का। लेकिन L2 लाइन किससे होकर जा रही है? सिंस द लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट P 1,1, सो इट विल बी सेटिस्फाई। लिखेंगे सिंस this line since this line perpendicular line since this perpendicular line since this perpendicular line E passes through the point P
passes through the point P 1, 1. Now repeat. Since this perpendicular line it passes through the point P 1, 1. ठीक है. So it must satisfy the equation of a line first we get satisfy करा देते हैं बच्चों. और पॉइंट P की वैल्यू है 1. x के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे? 1. और y के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे 1. इक्वल टू लैम्डा इंप्लाइज दैट 4 बन जा 4, 3 बन जा 3, इक्वल टू लैम्डा फिर इंप्लाइज दैट 1 आएगा. लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1. लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 1. ठीक है. लैम्डा की वैल्यू 1 आई. अब इस लैम्डा की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड द प्री बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन L2. ये हो जाएगा 4x माइनस, अरे यहां पर वैल्यू पुट करेंगे. x के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों? अरे लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना. तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू 1. ठीक है. या इसको ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हो गया बच्चों आपका राइट आंसर. नोट कीजिए, मिटा दें. प्रिय बच्चों क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 0. पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 0. प्रिय बच्चों क्वेश्चन पुनः रिपीट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन Which is perpendicular to the line 3x plus 4y equal to 5 and passes through the point 5, 4. आइए इसको हम एक बार समझ लेते हैं. ये बच्चों हमारी एक लाइन गिवन है. ठीक है. ये L1 से रिप्रेजेंट है. L1 की वैल्यू है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y
3x plus 4y equal to 5 है ना, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है। ये लाइन L2 है, लेकिन कंडीशन यह है कि लाइन L2 जो है पॉइंट P 5.4 से पासेज हो रही है, ठीक है, यानी पॉइंट P लाई ऑन द लाइन L2, सो इट विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर बच्चों द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 इज, ये इक्वेशन बनेगा। एक्स और वाई के कोफिशियंट को चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 4x और साइन चेंज करेंगे माइनस 3y, यहां पर लैम्डा लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये L2 लाइन का बन गया, क्लियर, समझ में आया। सिंस अब देखिए ये लाइन L2 का बन गया, L2 लाइन 5 और 4 से क्या हो रही है, पासेज हो रही है, क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लिखेंगे सिंस दिस लाइन since this perpendicular line, क्या लिखेंगे बच्चों, since this perpendicular line passes through the point P 5.4, so it will so it must satisfy the equation of a line line L2, ठीक है, फर्स्ट लिख देते हैं लाइन L1, ठीक है, समझ में आया। वी गेट सेटिस्फाई करा देते हैं, implies that वो x के स्थान पर लिखेंगे 5 माइनस 3, y के प्लेस पर लिखेंगे बच्चों 4 इक्वल टू लैम्डा। अब ये होगा 20 माइनस 12 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, implies that 20 में से 12 गया 8 इक्वल टू लैम्डा, क्लियर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा
in equation, putting the value of lambda in equation first, we find required, we find the required perpendicular line ये हो जाएगा बच्चों फोर एक्स माइनस थ्री वाई लैम्डा की वैल्यू 8 फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 8 क्या आएगी फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 8 क्लियर बिठा दे इसके बाद एक क्वेश्चन और प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3 ये क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों ये हमारी लाइन L है इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सही बना देते हैं तिरछी है ये लाइन हमारी L है ठीक है इसकी वैल्यू गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 ठीक है इस पर परपेंडिकुलर लाइन हमें L2 फाइंड करनी है किस कंडीशन में L2 जो है यहां पर एक पॉइंट P गिवन है जो 4, 3 है इससे होकर पास हो रही है ठीक है सिंस लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट P 4, 3 सो इट विल बी सेटिस्फाइड ठीक है बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन 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 परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 इज यहां पर एक्स वाई के कोफिशियंट को चेंज कर देंगे यहां पर हो जाएगा 3x और साइन माइनस की है तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2y और 8 के स्थान पर 8 को निग्लेक्ट करेंगे बाएं राइट हैंड साइड लैम्डा लिख देंगे ठीक है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये L2 क्लियर सिंस दिस लाइन सिंस दिस परपेंडिकुलर लाइन passes through the point P 4, 3 ठीक है 4, 3 सो इट मस्ट सेटिस्फाई
satisfy the equation of the line. Of the line, first we get बच्चों सेटिस्फाई करा देते हैं इंप्लाइज दैट थ्री एक्स की वैल्यू फोर को यहां पर पुट करेंगे फोर प्लस टू वाई की वैल्यू थ्री यहां पर पुट करेंगे ये लैम्डा फोर थ्री जा ट्वेल्व टू थ्री जा सिक्स इक्वल टू लैम्डा इंप्लाइज दैट 18 इक्वल टू लैम्डा ठीक है लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो गई अब इस लैम्डा की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन ठीक है 3x plus 2y इक्वल टू 18 या इसको कह सकते हैं 3x plus 2y minus 18 इक्वल टू 0 इट इज द राइट आंसर मिटा दें प्रिय बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 6 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2x minus 3y plus 8 equal to 0 एंड पॉसेस थ्रू द ऑरिजिन ये बच्चों पहले हम ये हमारा है कार्टेशियन सिस्टम एक्स को एक्स डैश और ये वाई को वाई डैश ठीक है एक परपेंडिकुलर लाइन है सॉरी एक लाइन एल वन है जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 2x minus 3y plus 8 equal to 0 क्लियर इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है जो ओरिजिन O से पासेस हो रही है वो लाइन L2 है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों 0, 0 यानी ऑरिजिन का आपसिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है ठीक है लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द
the 2x minus 3y plus 8 equal to 0 is, यहां पर कोफिशियंट को इंटरचेंज कर देंगे, 3x माइनस की साइन है प्लस की कर देंगे और 2y, तो 8 से कोई मतलब नहीं, राइट हैंड साइड में लैम्डा रख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन है बना बच्चों L2 का, लाइन L2 का, ठीक है। अब सिंस दिस लाइन, सिंस दिस लाइन, सिंस दिस, भूल जाते हैं, सिंस दिस परपेंडिकुलर लाइन, सिंस दिस परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन इज पासेस थ्रू the origin, origin का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ठीक है। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन First, we get satisfy करा देते हैं, implies that 3 x के स्थान पर 0 क्योंकि origin से पास हो रही है, plus 2 y के स्थान पर 0 equal to lambda, implies that 0 plus 0 equal to lambda, implies that 0 equal to lambda, clear? lambda की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। इस lambda की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, देखेंगे पुटिंग, द वैल्यू ऑफ lambda in equation first, we find the required putting the value of lambda in equation first, we find the required perpendicular line L2, आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा, हम भरसक प्रयास करेंगे आपको
एक अच्छा आपको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए धन्यवाद।